नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल दी पब्लिक में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कर्नाटका चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही है। मई के अंदर कर्नाटका चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच जो सर्वे के जो नतीजे हैं उन्होंने सब नेताओं की नींद उड़ा दी है या सब नेताओं को हैरान कर दिया है। ओपिनियन पोल तो आप जानते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल गया होगा कि कर्नाटका चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटका चुनाव के अंदर अभी तक फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी है, लेकिन भाजपा पार्टी फिर भी टक्कर देने में लगी हुई है। यानी महीने के अंदर कुछ ऐसा मंत्र भाजपा पार्टी मार सकती है जिससे सत्ता में वापसी कर सके। हालांकि बहुत बड़ा मुश्किल होगा भाजपा पार्टी के लिए। यहाँ पर अगर हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों की तैयारी हो रही है ताकि कर्नाटक के जो समीकरण है इससे भाजपा घबराई हुई है ताकि इस समीकरण को बदला जा सके। इसलिए कहते हैं कि पहले जब ओपिनियन पोल पे सभी पार्टियों की निगाही होती है और यहाँ पर कांग्रेस की जीत से काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस की जीत से भाजपा को नुकसान हो रहा है, इसी बीच से भाजपा बड़ी बड़ी तैयारियाँ कर रही है। बताना चाहूँगा कि कांग्रेस 4 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है। इसी बीच मैं आपको बताऊँगा कि कर्नाटका के रण के साथ पीएम मोदी गरजने जा रहे हैं और राहुल गांधी भी गरजेंगे। हालांकि राहुल गांधी को लेकर क्या फैसला होगा ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर अपनी अपील करने वाले हैं मानहानि केस को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर ही मोदी सरनेम वाला बयान दिया था या दिए बयान को लेकर ही गुजरात की सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया गया था, जिसमें अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी करार दे दिया था। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को कोलार में सत्यमेव जयते कार्यक्रम होना है, लेकिन इसे टाल दिया गया। अभी इसे कार्यक्रम को 9 अप्रैल को किया जाएगा। तो क्या कर्नाटका की कोलार विधानसभा सीट पर राहुल गांधी अपना दबदबा फिर से बना पाएंगे? अभी कोर्ट के अंदर आज अपील करेंगे और अपील के बाद क्या पता कोर्ट क्या निर्णय ले, उनको जमानत मिल जाए और राहुल गांधी फिर से जो है यहाँ पर बड़ी से बड़ी रैलियाँ कर सकते हैं और पीएम मोदी भी गरजेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कुछ दो फाड़ चीज़ देखने को भी मिल रही है। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जब से सूचना आई है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती ज़्यादा है तो सीएम कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो चुकी है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है जिससे जनता परेशान रहती है कि निर्णय नहीं ले पाती कि नेता किसे कसा जाए। इसको लेकर बीच भी पार्टी ने तंज भी कसा है। यहाँ पर पीएम मोदी का उपनाम बनाने की तैयारी में बीजेपी का पहला मोर्चा निकल चुका है। यानी कर्नाटका के अंदर भाजपा पार्टी का मोर्चा आज भी मजबूत देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर यहाँ पर जो चुनाव है काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि लोकसभा के नज़दीकी चुनाव होते हैं कर्नाटक और राजस्थान के, और ये चुनाव काफ़ी अहमियत रखते हैं लोकसभा इलेक्शन में। आपको बता दें कि कर्नाटक में 57% मतदान सरकार बदलना चाहते हैं, 57% मतदाता। इसका अंदाज़ा यही है कि जो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, यानी कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी 57% में 7% मार्जिन ऐसा है जो सरकार बदलना चाहते हैं, उसको ही नज़रियों को बदलना है ताकि बीजेपी वापसी कर सके। यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मई को चुनाव होने जा रहा है और 70% संभावित मतदाताओं ने कहा कि राज्य सरकार से नाराज नहीं है और इसे बदलना नहीं चाहते, लेकिन 57% लोग यही चाहते हैं कि वो सरकार को बदल दें। और इसी कारण कर्नाटका के ओपिनियन पोल में जो है भाजपा पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और स्पष्ट बहुमत का अनुमान हो चुका है। अगर बात की जाए तो दक्षिण का ध्रुव ढहा तो 4 मोर्चे पर बड़ी मुश्किलें, कर्नाटका को बीजेपी में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मैसूर की सीट के बारे में बता चुका हूँ, सीटों के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको बताऊँगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारा है। तो कुछ डिटेल हैं जो आपको हैरान कर देगी, आपको चौंका देगी, और इन डिटेल के काफ़ी अहमियत है, मायने काफ़ी अहमियत रखते हैं। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर कर्नाटका के अंदर सीएम के तौर पर किसे पसंद किए जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर कर्नाटका से लोग सरकार बदलना चाहते हैं। 29% लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, 22% लोग सुविधाओं से परेशान हैं, 19% लोग शिक्षा से परेशान हैं,
एंड कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि टोटल 224 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 115 से 227, बीजेपी को 68 से 80 सीटें व जेडीएस पार्टी को 23 से 35 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। जेडीएस पार्टी भी अपने कदम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और 13 मई को ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस बहुमत के साथ जीतेगी। अगर क्षेत्र को बांट दिया जाए तो ग्रेटर बंगलुरु की 32 सीटों में कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है और ओल्ड मैसूर की बात करें तो जेडीएस को सबसे ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस यहाँ से 26-27 सीटें, कांग्रेस को 24-28 सीटें, बीजेपी को वहाँ 1 से 5 सीटें। इस तरह अलग अलग इलाकों में जो भाजपा की सिस्ती है कमज़ोर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर 40% लोग कांग्रेस नेता सुधार मैया को पसंद कर रहे हैं, 31% लोग जेडीएस के कुमार स्वामी को व 21% लोग कांग्रेस के डीके शिवकुमार को। वहीं पर आपको बता दें कि वर्तमान सीएम बसवराज बोम्मई जिन्हें 31% पसंद किया जा रहा है, 21% जेडीएस के कुमार स्वामी को व 3% कांग्रेस के डीके शिवकुमार को पसंद किया जा रहा है। और यहां से फिर से उम्मीद है कि कांग्रेस नेता सुधार मैया को सीएम का उम्मीदवार चुना जाए या सीएम बनाया जाए। मुद्दे की बात की जाए तो बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा कर्नाटक के चुनाव अपनी दिशा तय करते हैं क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी रोज़गार भी है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इसी बीच ओपिनियन पोल के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिएगा रिपब्लिक के साथ। जय हिंद।